नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां बीते दिन स्कूल से वापस आते समय छात्र की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये पूरा मामला खीरी थाना क्षेत्र के पूरे दत्तू गांव का है, जहां पर हाई स्कूल का छात्र सत्यम शर्मा अपनी बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था। वह इस दौरान रास्ते में युवकों द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी की गई, जिसका विरोध छात्र के भाई ने किया, तो युवकों ने उसकी लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी है। आपको बताते चले कि घटना से स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। वही मौके पर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी समेत कई थानों की फोर्स, पीएससी और आरएएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो छात्र की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या के मामले में अब ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने थाने का भी घेराव किया है। पवन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। देखिए पवन, इलाके में तनाव का माहौल है, क्योंकि छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस वक्त जो खबरें हैं वो ये है कि ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया है। वहां की स्थिति कैसी है अभी? जी बिल्कुल मुस्कान, ये पूरा घटना बीते कल की है और प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के पूरे दत्तू गांव की है, जहां पर बीते कल देर शाम को एक छात्र अपनी बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते में शोधा ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की। उसका विरोध करने पर शोधा ने छात्र की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बीते कल से ही प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र का जो माहौल है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण स्थिति में बना हुआ है। अगर तस्वीरों की बात करें तो बीते कल से ही हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है वो लगातार थाने का घेराव कर रहे हैं। तमाम तरह की इनकी जो मांगे हैं वो मांगे की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि ये जो आरोपी हैं इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए तथा जितने आरोपी हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें देखें, साफ तौर पर दिख रहा होगा ये एम्बुलेंस है और थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर आक्रोशित लोगों द्वारा इस सरकारी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि जिस तरीके से ये घटना है, लगातार इस पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ है और किस तरीके से लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। लगातार लोग जो है घटना को लेकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम जो युवा है, तमाम बुजुर्ग है, तमाम महिलाएं हैं, इस घटना को लेकर इनकी किस तरीके से राय और किस तरीके से ये कार्रवाई चाहते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या है पूरा घटना? घटना पर कल की है, कल शाम की जी सर, कल की घटना है। कल स्कूल यही परमानंद इंटर कॉलेज है, वहां से बच्चे स्कूल गए थे और पढ़ के वहां से आ रहे थे। भाई बहन जो साथ में थे उनकी चचेरी बहन थी, वो मुस्लिम है, मतलब वो लोग उसकी बहन के साथ छेड़खानी करने लगे तो बेचारा उसका भाई जो है उसको मतलब पकड़ा, उसको ऊपर मार के उसको हत्या कर दी। अभी आप लोगों ने यहाँ पर तमाम हजारों लोग हैं यहाँ पर, आप लोगों ने थाने का घेराव किया है, अब आप लोग वापस जा रहे हैं, तो अधिकारियों से क्या बातें हुई हैं? कुछ नहीं, तो किस तरीके से आप लोग वापस जा रहे हैं? अभी वापस कोई नहीं जा रहा है। और भी लोग हम बातचीत करेंगे, ये घटना है किस तरीके से घटना, किस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार जो अभी तक तस्वीर है तनावपूर्ण बनी हुई है। आला अधिकारी मौके पर है, किस तरीके से बातचीत हो रही है? बस यही है, चाहती जनता कि जो भी हो, जो तरीके कानूनी जो भी नियम है उसे मैटर शांत किया जाए जो, और जो जनता की मांगे उसको पूर्ण किया जाए। अभी ये जनता शांत नहीं होगी जब तक इसका निदान नहीं हो जाएगा इस मैटर का। एक और तस्वीरें हैं मुस्कान, हम ये तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ये सरकारी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी और ये जो बीते कल की घटना, इसको लेकर लोगों में तनाव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि प्रयागराज पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी प्रयागराज मौके पर है और लगातार यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और जो लोगों की भीड़ है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। और भी लोग हम बातचीत करेंगे इस घटना के बारे में, क्या किस तरीके से जानकारी आपको। कल बच्चे परमानंद स्कूल से वापस आ रहे थे, उसके सिस्टर और क्या हुआ कि ये दोनों छेड़खानी करने लगे मुस्लिम बच्चे, और उसको ला करके प्रधान के सामने, ग्राम प्रधान जो है इसमें, उसके सामने बच्चे को मार रहे थे। प्रधान खुद मरवा रहा था, प्रधान वहाँ सामने पर खड़ा थे, बच्ची पैर पकड़ ली प्रधान से, हमारे भाई को मत मारी, लेकिन उसने उसको धक्का देकर हटा दिया, हमें मार के उसकी गलत बात नहीं, और ग्राम घर वाले को बिना सूचना दिया डेड बॉडी का।
पता नहीं कहाँ लेकर गया, अभी तक डेड बॉडी भी नहीं आई। अभी आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग हैं, क्या मांगे आप लोगों की? मांगे है सर इंसाफ मिलना चाहिए और बुलडोजर चले। बाबा से किस तरीके से वार्ता हो रही है? अभी वार्ता चल रही है सर, देख रहे हैं, अधिकारी लोग आए हैं, सब लोग हैं, बैठे हैं, जनता आक्रोश में है, कर रही है, अपना निदान होगा, जैसे करेंगे तो बुलडोजर मांगे ही है सर। मांगे हम लोग यही है कि बुलडोजर चलेगा बाबा। भाई कहा जा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं हुआ है सर। गिरफ्तार हुआ है, दिखाइए कहाँ गिरफ्तार हुआ है, हम लोगों को दिखाइए, दिखाइए, हम लोगों से लाइव करिए, वीडियो दिखाइए। जो अपराधी है हम लोग जनता नहीं जाएंगे, मीडिया जाए देखे, सबको हटना चाहिए। साला गरीब का बच्चा जंगल में रहेगा, कटुआ लोग रोड पे रहेगा, बोलो। और भी लोग हम बातचीत करेंगे। चाचा ये जो घटना है किस तरीके से, क्या मांगे आप लोगों की? घटना ये है कि इसको उचित कार्यवाही की जाए। सरकार से यही निवेदन है कि जिस तरह उसको पट्टी पट्टी मार मार के और उसको दरवाजे के सामने उसका हौसला वो लोग बढ़ा करके उस बच्चे का जो है हत्या की गई है, उसी तरह इनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज ये हुआ है, बाद में बहुत लोगों के साथ होगा, क्योंकि ये तीसरी केस है, तीसरी केस है। प्रशासन ऐसे देखिए, ऐसे ही दिखा ऐसे करेगी और करे अपराधी। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और हजारों की संख्या में यहां पर लोग थाने का घेराव कर रहे। हालांकि मौके पर पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री सहित कई थानों की फोर्स है, पीएसी के जवान लगाए गए, आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन जो तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि लोगों में इस घटना को लेकर कितना आक्रोश है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो ठीक है, लेकिन देखिए पवन, अब यहाँ पर एक सवाल काफी अहम हो जाता है कि कई थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है, जिलाधिकारी भी मौजूद है, और ये जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या इनकी मुलाकात पुलिस के अधिकारियों से हुई है क्या? डॉक्टर बंसल का होता है तो हम बातचीत करते हैं, इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं आज यहाँ पर, तमाम आला अधिकारी आए हैं, क्या आप लोगों की वार्ता हुई है? अगर ये गरीब की मिट्टी है इसलिए नहीं आई है। डॉक्टर बंसल का इतिहास जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि डॉक्टर बंसल की मृत्यु होती है, एक घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, एक घंटे के अंदर यही शासन प्रशासन लिया उसकी मिट्टी देता है। लेकिन एक गरीब की बात है, एक गरीब बात है, इसलिए मिट्टी नहीं दिया जा रहा है। योगी सरकार क्या कर रही है, बुलडोजर चलवाती है, केवल टीवी दिखाती है। अगर उसका दम है तो मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि 12 घंटे के अंदर बुलडोजर चलवा के दिखाए। मैं कहूंगा प्रधान, बोल रहा हूँ मैं गरीबों के साथ हूँ, अब गोली चलेगी पहले गोली मैं खाऊंगा। आप ग्राम प्रधान है? हाँ धन्यवाद, मैं कहूंगा प्रधान, गरीब को सताने के लिए डीएम साहब कहते हैं मेरे सामने। कल मैं था 2 बजे रात, डीएम साहब का आदेश पाया, अभी सिस्टम में बात करो। अरे वो जो बंसल का पोस्टमार्टम हुआ तब सिस्टम नहीं हुआ, पाकिस्तान जब तक मेरे चैलेंज है, मैं विश्व प्रसाद का जिला सहमंत्री हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे बना, पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, चाहे मेरे सीने पे गोली चले, जिसकी क्षमता है चला के देखे, मैं चैलेंज करता हूँ। सम्मान की राजनीति ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये मुद्दा कुछ और है। तो क्या पुलिस के अधिकारियों से इन लोगों ने मुलाकात की है, और अगर मुलाकात की है तो क्या कुछ आश्वासन इनको दिया गया है, ये जानने की कोशिश करिए। अगर नहीं आप लोग देखिए मुस्कान, अगर बीते कल से हम घटना की बात कर रहे हैं तो घटना जिस तरीके से करीब यही वो समय था जब ये दोनों भाई और बहन स्कूल से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीते कल तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर डटे हुए हैं,
से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर आला अधिकारियों की बात की जाए तो अभी तक ये बातें सार्वजनिक नहीं हो पाई है कि यहाँ पर लोगों से आला अधिकारियों से किस तरीके से वार्ता हुई है। हालांकि जो वार्ता है वो अभी तक जारी है, लेकिन अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से आला अधिकारी यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ठीक है, देखिए, लेकिन पवन अब यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है? पूरे घटना को लेकर जिले का आला अधिकारी अभी भी इसी खीरी थाने में मौजूद है। जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री, पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा बीते कई घंटे से यहीं बैठे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों की मांग है ऐसा ये लग रहा है कि जल्दी और डरिएगा मत, चेक करेंगे कुछ नहीं करेंगे। किस तरीके से अभी तक उस पर जितनी लाठी मारना मुझे मारे सामने आएगा। ठीक है, देखिए पवन, लगातार हम ये प्रदर्शन की तस्वीरें देख सकते हैं और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि न्याय न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से इस लगातार न्याय की मांग में हम पुरुषों को तो देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, लड़कों को देख रहे हैं, क्या इस पूरे न्याय की मांग में महिलाएं भी शामिल है क्या? क्या इस प्रदर्शन में महिलाएं भी दिख रही है क्या आपको? एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे मुस्कान, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये लोगों की जो भीड़ है, युवाओं की, लोगों की, बुजुर्गों की, तमाम हजारों की संख्या की जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही होगी। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर खीरी थाना की है। हालांकि जहाँ पर अभी हम मौजूद है ये यहाँ से दूरी करीब 50 से 100 मीटर के आसपास की है और थाने के ठीक पास में आपको तस्वीरें दिखेंगी कि यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं भी हैं। देखिए किस तरीके से महिलाओं को भी इस घटना को लेकर उनके अंदर भी क्या आक्रोश, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस घटना को लेकर किस तरीके से इनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या पूरा मामला था चाची, किस तरीके से क्या घटना हुई है, क्या घटना हुई। देखिए और भी लोग हैं, हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। देखिए युवाओं में क्या आक्रोश है, वो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी किसी थाने के पास मौजूद है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि युवाओं के हाथ में किस तरीके से उनके चेहरे पर किस तरीके से वो भाव है, क्या वो किस तरीके से तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि इस बच्चे के हाथ में ये एक डंडा या कुछ लाठी जैसा नजर आ रहा है। इस बच्चे से जानिए कि इसने आखिर अपने हाथ में ये क्यों थाम रखा है। देखिए हम बातचीत करेंगे इस बेटे से, बेटा ये आपने ले रखा है और ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या जानते हैं आप? तो यहाँ पर तस्वीरें देखिए मुस्कान, कहीं न कहीं ये भी नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इन घटना के बारे में तमाम वो जानकारियां नहीं है, लेकिन वो लोगों के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, देखिए महिलाएं भी हैं, इनके हाथ में भी वो डंडा है और किस तरीके से लोग, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो घटना है इसके बारे में आपको क्या जानकारी, किस तरीके से ये घटना हुई है। घटना हुई है, पढ़ाई बहन भाई पढ़ने गए थे स्कूल में, परमानंद स्कूल में, भाई बहन पढ़ के दोनों एक तीन बजे छुट्टी होती है ना, 3 बजे छुट्टी होती है, पढ़ के आते हैं तो यहाँ बीच में सामने जो प्रधान प्रधान के घर के सामने अपने द्वार सामने, अब चढ़ पानी बहने को कुछ कह रहा हूँ तो भाई बीच में बोल दिए, कहते कहे बोले स्कूल में मारे रह दी चार जहाँ पर वो लड़की कहते मेरे भाई कहे की बहन को छाती पे लात मार के खेल दी, बहनी रोगत जब मेरे भैया के ना मारा और वो पीछे से पटरी लोहा के यहीं पर मार दी, भाई गिर गया। अब बहन पक्का दी सोका यीशु प्रधान की, ये चाचा आंटी जी बता दीजिए मेरे भाई से उमा का लात मार रहा है, उमा का लात मारी से प्रधान बहनी के गिर पड़ी और लाद के ओका मटकी चल दी दरोगा ढोसी दरोगा वो दोनों लाद के चला अब पकड़ेगा मटकी। देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि मुस्कान किस तरीके से इस पूरे घटना को लेकर लोगों में जो आक्रोश है। हालांकि अगर जो अधिकारियों की माने जो अभी तक वार्ता सामने आई इससे ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना में जो शामिल 5 आरोपी हैं तथा इस जो ग्राम प्रधान है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए पवन, अगर गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपियों की, ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो पुलिस पुष्टि से आखिर क्यों बच रही है? पुष्टि करने से डर कैसा है? अगर अपराधी उनके गिरफ्त में है तो अगर पुलिस पुष्टि करती है
तो ये सारे प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ठंडा कर देंगे, फिर इतना प्रदर्शन नहीं होगा। अगर घटना की हम बात करें तो जिस तरीके से बीते कल ये घटना आई है, उसके बाद से जो हजारों लोग यहाँ पर मौजूद है, इनकी ये मांग है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, परिवार को आर्थिक मुआवजा दी जाए, पीड़ित परिवार के घर में सरकारी नौकरी दी जाए, आरोपियों के घर में बुलडोजर चला जाए, ऐसे तमाम मांगे हैं। हालांकि कुछ ऐसी मांगे हैं जिनमें तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो होनी होती हैं। अधिकारियों ने यहाँ पर ग्रामीणों को तमाम यह आश्वासन जरूर दिए हैं, लेकिन अब इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से इसको असली जामा पहनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ग्राम प्रधान की भी मिली भगत इस पूरे मामले में बताई जा रही है, तो क्या इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात वहां पर घटित हुई है? क्योंकि लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लाजमी है कि ऐसी कोई वारदात पहली नहीं है, और भी कई घटनाएं हो चुकी है। इसको लेकर ग्रामीणों से बातचीत करिए कि क्या ग्राम प्रधान की दबंगई पहले भी देखने को मिली है क्या? हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरीके से घटना, भाई साहब क्या यहाँ पर पहले भी इस तरीके से घटना हो चुकी है? कई बार हो चुकी है, कई बार हो चुकी घटना, लेकिन यहाँ तो कोई एक्शन लेता ही नहीं है। ये घटना हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई है। वो लड़की गई उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन वो प्रधान जो यीशु है मुसलमान, उसको लात मार के खेल दिया। और उसके बच्चे को उसका लड़का भी मारा है, और चार पांच लोग मिल के मारे हैं। कोई रोकने वाला नहीं था, और प्रधान वही पे बैठा था, प्रधान मना नहीं किया, प्रधान मना नहीं किया, इसको प्रधान मना नहीं किया, क्यों मार रहे हो? प्रधान खुद ने मारा, और वही पे बैठा है, मिल के मरवाया है वो, प्रधान ने खुद मारा। इतनी बड़ी घटना है, आज ये घटना हो रही है, किसी भाइयों के साथ हो सकती है, किसी बहनों के साथ हो सकती है, आज इस पे कार्रवाई नहीं लिया जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है पवन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, धन्यवाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इलाके में तनाव का माहौल है, क्योंकि बीते शाम की जो खबर सामने आई थी उसने ग्रामीणों में काफी गुस्सा पैदा किया, क्योंकि एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, छेड़खानी की जाती है, जब उसका भाई इस पूरी घटना का विरोध करता है, तो ग्राम प्रधान पर ये ग्रामीण आरोप लगा रहे कि उसकी मिली भगत से जो छात्र है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।